नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक और एक्शन फिगर रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं यूनिक टॉयज चैलेंजर की नॉक ऑफ यानी कि अनलाइसेंस वर्जन BS03 साइबरट्रॉन कैवेलियर्स लास्ट नाइट ऑप्टिमस प्राइम। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बड़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा यतिन मरोटिया जी को। यतिन जी ने ये फिगर हमें भेजी है डायरेक्ट हमारे स्टूडियो में फॉर दिस रिव्यू। और ये ब्रांड न्यू फिगर है, इस फिगर की अनबॉक्सिंग एक्चुअली मैंने की है ये, और ये एक ओवरसाइज फिगर है, सबसे पहली बात तो ये है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड सपोर्ट। बस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे एक्शन फिगर रिव्यूइंग करियर में इतना जल्दी लोग भरोसा करने लग जाएंगे, इतना जल्दी लोगों को पसंद आएगा। तो आपका ही नहीं बल्कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस रिव्यू के लिए। एंड ऑफ कोर्स यतिन की इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने नीचे मेंशन कर दी है, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें और प्लीज़ थोड़ा उन्हें सपोर्ट भी आप लोग ज़रूर करें। रिव्यू करने से पहले ये है पैकेजिंग, और ये है पैकेजिंग का सामने का हिस्सा, ये है साइड, ये है दूसरी साइड, ये है पीछे का हिस्सा, ये है ऊपरी हिस्सा, और ये है नीचे वाला हिस्सा। सो वेरी सिंपल बॉक्स, कुछ खास नहीं है। नाउ लेट अस स्ट्रेट अवे गेट टू द रिव्यू। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे मिल जाती है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। जी हाँ, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है हाउ टू ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम रोबोट टू ट्रक, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हिम। तो ये है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस फिगर के साथ जो एक्सेसरीज आती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सबसे पहले हमें मिल जाती है ये तलवार। जी हाँ, ये आपने ज़रूर देखी होगी लास्ट नाइट मूवी में। इनफैक्ट आपने ये तलवार मेरे हिसाब से एज ऑफ एक्सटेंशन में शायद आपने देखी होगी। इट्स अ वेरी वेरी नाइस सोर्ड, और सूट की पकड़ भी काफ़ी अच्छी है, ऑप्टिमस प्राइम काफ़ी अच्छे से पकड़ लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी नाइस पीस, वेरी नाइसली पेंटेड, वेरी वेरी कूल। और उसके साथ हमें मिल जाती है ये ब्लास्टर या बंदूक जो भी आपके, अगेन वेरी नाइसली पेंटेड, वेरी नाइस वर्क, बहुत ही बढ़िया बंदूक है। एंड दिस वन एक्चुअली लाइट्स अप, अनफॉर्चुनेटली बैटरीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसे अगर आप दबाएँ एक्चुअली यहाँ पे लाइट आ जाती है ब्लू कलर की। सो विच वी डोंट हैव द बैटरीज फॉर दिस वन, बैटरीज इंक्लूडेड नहीं थे इस फिगर के साथ, विच इज़ लिटिल स्ट्रेंज, लेकिन खैर दिस इज द गन। के बाद हमें मिल जाती है ये शील्ड, और ये शील्ड भी आपने देखी है एज ऑफ एक्सटेंशन में एज वेल एज इन द लास्ट नाइट। अगेन अ वेरी वेरी नाइस पीस, वेरी नाइसली पेंटेड। और ये शील्ड की खासियत है दैट दिस एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड एज वेल, तो आप इसे अलग ऐसे आप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, एंड इवन दीज पार्ट्स आल्सो एक्चुअली काइंड ऑफ मूव अ बिट, थोड़ा सा ये मूव कर सकते हैं लाइक दैट, इट्स प्रीटी कूल राइट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक अगर आप पुश करते हैं इसे तो जी ये देखिए यहाँ पर एक और बंदूक आपको मिल जाती है जो शील्ड के साथ लगी होती है। लास्ट नाइट में आई थिंक ऑप्टिमस प्राइम एंड यूज्ड इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी, सो दिस इज द वन। इसके साथ हमें मिल जाती है ये मर्लिन स्टाफ। पता नहीं ये ऑप्टिमस के साथ इन्होंने क्यों दे दी है, बट वेल वी डू गेट दिस पीस, इट्स अ प्रीटी बिग पीस। और यहाँ पे कुछ साइबरट्रोनियन लैंग्वेज भी लिखी हुई है यहाँ पे, विच इज प्रीटी कूल। सो ये मर्लिन स्टाफ भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन ऑप्टिमस इसे आई थिंक यूज़ नहीं करते हैं, ये वो लड़की यूज़ करती है जो एक्ट्रेस रहती है जो कि मर्लिन की रिलेटिव है। सो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग, और ये वॉर्प नहीं है, बिल्कुल सीधी थी जब मैंने पैकेट से निकाला था इसे, सो ऑल गुड। इसके साथ हमें एक रिस्ट ब्लेड भी मिल जाती है जो आप ऑप्टिमस प्राइम के हाथों में लगा सकते हैं, विच इज़ प्रीटी प्रीटी कूल। और ये एक सर हमें मिल जाती है जो कि ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हेड स्कर्फ, दिस इज़ द अनमास्क्ड वर्जन, फिलहाल ऑप्टिमस ने वहाँ पे मास्ट वर्जन पहन रखी है, दिस इज़ द अनमास्ट वर्जन, और ये भी आप लगा सकते हैं उस सर की जगह। अगेन ब्यूटीफुल स्कल्प्ट, पेंट देखिए, स्कल्प्ट देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। और हमें दो और पीस मिल जाते हैं, ये बेसिकली ये जो कमर के यहाँ पे जो गैप जो बनी हुई है, एक गैप है यहाँ पे,
इसको बेसिकली कवर करने के लिए ये पीस हमें मिल जाती है, यू कैन जस्ट पुट इट देयर। मैंने कमर को कवर नहीं किया है फॉर द आर्टिकुलेशन, बट यू कैन एक्चुअली यूज दीज टू पीसेस टू कवर दैट एरिया एज वेल। इट्स प्रीटी गुड। तो काफी एक्सेसरीज हमें मिल जाती है इस फिगर के साथ। और अगर आप इन्हें वेपन्स पकड़ाना चाहें तो देखिए यहाँ पे एक टैब बनी हुई है। जी हाँ, ये दो हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर एक स्लॉट बनी हुई है, राइट। तो ये टैब बेसिकली इस स्लॉट में आप ऐसे घुसा सकते हैं, थोड़ा सा ये रहा, उप्स, ये वापस से ये रही, घुस गई। ऑल यू हैव टू डू इज नाउ जस्ट मेक श्योर कि वो ग्रिप कर लें, एंड यू कैन जस्ट टेक फुल यूज ऑफ द आर्टिकुलेशन और आप ऐसे पकड़ा सकते हैं उनको वेपन्स। सिमिलर थिंग हियर एज वेल, यहाँ पे भी एक टैब बनी हुई है यहाँ पे गन पे, एंड यू कैन डू द सेम थिंग एज वेल एज फॉर दिस स्टाफ। यहाँ पे भी देखिए टैब बनी हुई है, एंड यू हैव टू जस्ट पुट इट इन हिज हैंड इन दैट स्लॉट। अगर आप शील्ड इनके हाथों में लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए एक स्लॉट दी हुई है, राइट, और यहाँ पे एक टैब है, आप सब इसे ऐसे प्लग इन कर लें एंड शील्ड लग गई। तो और अगर आप उन्हें ये रिस्ट ब्लेड देनी है, अगर आपको ये रिस्ट ब्लेड लगानी है तो देखिए यहाँ पे एक और स्लॉट बनी हुई है। इट्स प्रीटी सिंपल, जस्ट प्लग एंड देन यू कैन गो अहेड एंड जस्ट ये रही, उनकी ये रिस्ट ब्लेड भी कैसे लग गई है। इट्स प्रीटी कूल। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फिगर के साथ यहाँ पे, एंड जस्ट ओवरऑल एक्सक्विजिट पीस मेरे राय के अनुसार बहुत ही बढ़िया पीस है ये। अगर आप अपने कलेक्शन पे अगर आप ये रखते हैं तो कलेक्शन की बड़ी शोभा बढ़ाएंगे ये, एंड इफ़ यू आर अ मूवी फैन तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए लेना बिल्कुल आवश्यक है। एंड जिस हर जगह पेंट ही पेंट, चाहे आप वो पैर देखें या यू नो इनके नी कैप्स देखें या अगर आप इन्हें घुमाएं, पेंट भरपूर है इस फिगर में। सच में मतलब इतनी खूबसूरत फिगर है। जब ये आई थी पहली बार मैं एक्चुअली अपना आँख में हटा नहीं पा रहा था फिगर से, इतनी खूबसूरत फिगर है। और बहुत ही बढ़िया काम किया है इस कंपनी ने, हालांकि नॉक ऑफ है लेकिन वाकई मतलब इट्स एब्सोल्युटली वर्थ योर मनी। और इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीस, हर जगह पेंट ही पेंट, और काफ़ी हद तक स्क्रीन एक्यूरेट रखने की कोशिश की है इस फिगर को। और मतलब मेरे पास सच में शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट दिस इज एक्चुअली एन एक्सक्विजिट एक्सक्विजिट पीस। लेट्स हैव अ लुक एट द हेड, एंड द हेड इन पर्टिकुलर इज जस्ट वेरी वेल मेड। यहाँ पे यू नो जो यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे जो पेंट दिया हुआ है, एंड द अमाउंट ऑफ the sculpt work that has been put in here, it just looks very very pretty. It's a very pretty sight, the paint, and I am particularly very happy about this, the way this thing came out. You know, just amazing looking piece here, beautiful looking piece. Smokestacks pe bhi yahan pe kali kali paint lagi hui hai, jaise thoda sa jal gaya ho, kyunki you know it's continuous smoke and fire coming out of it. It's just so cool, just amazing you know sculpt work here for this figure. Beautiful, absolutely beautiful. अगर आप इनके आँखों में जो LED है अगर आप इसे जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बटन है, अगर आप इसे ऐसे दबा दें ये, राइट, इनकी आँखें की जो LED लाइट्स हैं वो जल जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द बैटरीज हियर, बट दिस इज द बटन राइट हियर ऑन टॉप ऑफ हिज हेड जस्ट बिहाइंड, सो दिस इज अ प्रीटी गुड फीचर। बारी आती है आर्टिकुलेशन की और हम देख लेते हैं कि आर्टिकुलेशन कैसा काम करता है इन पे। द हेड इज बेसिकली ऑन अ बॉल जॉइंट, इट्स वेरी टाइट, हैव टू बी वेरी केयरफुल, इट इज ऑन अ बॉल जॉइंट। ये ऊपर देखते हैं काफी हद तक इट्स नॉट टू बैड, रेंज इज जस्ट अबाउट ओके, एक्चुअली द रेंज इज जस्ट अबाउट ओके। नीचे ये देख सकते हैं काफी हद तक, अगेन रेंज इज अगेन नॉट दैट ग्रेट बट इट्स just enough, okay, and we don't get any attitude, side to side ye aram se ghoom jate hain, but I would strongly recommend ki aap sir puri tarah se na ghumaye, because ye jo face plate hai ye takrati hai collar ke sath, so just be very very careful when you're articulating him. As you can see it's a very tight piece and I don't want to really force it
either. So yeah, very very nice. Shoulder ke range abhi hum dekh lenge, and there is a ratchet joint here. Jaise ki abhi aapko awaaz aa rahi hogi, khat 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 khat. This is the ratchet joint, and it's working pretty well on this arm, but for some reason is haath pe it's not really working, and this is something which has been an issue with this figure in, you know, all the reviews that I watched on YouTube. To abhi hum shoulder ki range bhi dekh lenge, aur thoda sa dhyan se articulate kijiyega, because the shoulder on both the arms have some give. Yahan pe specially ye actually part jo hai, ise actually die cast ki banani chahiye thi. Inko pata nahi unhone plastic dali hui hai, and be very careful when you articulating the shoulders. To ye hai range, aur ye ek floating piece hai, ye aaram se upar ki taraf chali jati hai jab aap ise articulate kar rahe hain. So this is the shoulder range. I'm sure isse zyada bhi jati hogi, but I'm not going to put too much of force on it. Main force bilkul nahi karna chahta, kyunki at the end of the day ye figure meri nahi hai. Aur ye thi shoulders. Abhi hum dekh lenge bicep swivels, and the bicep swivel is very tight, but it is actually very very functional. Hame yahan pe elbow ki hame range mil jati hai, and this is definitely more than 90 degrees ki range hai. And this is again another piece jo double inch pe lagi hui hai. Aap jaisa chahte hain aap ise aise cover kar sakte hain, aap you know jaisa aapko man ho aap aise se cover kar sakte hain, not a problem. Wrist ki articulation hame kuch aisi mil jati hai, aap ise aise aap gol gol aap ghuma sakte hain, but be very very careful as the joints is very tight. And of course ye upar jati hai wrist की रेंज, लेकिन नीचे भी थोड़ी बहुत आ जाती है, बट नीचे बेयरली ऊपर की जॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाती है. एंड ऑफ कोर्स द फिंगर्स आल्सो आर्टिकुलेट, एज यू कैन सी यहाँ पे दो दो यहाँ पे हिंजेस लगी हुई हैं फिंगर्स में, एंड विच इज़ अ प्रिटी कूल फीचर टू हैव इन दिस फिगर, विच इज एक्चुअली प्रिटी कूल, लव इट. हमें यहाँ पे आप रेंज भी मिल जाती है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट टू मच, बिकॉज यू नो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, आई डोंट वांट टू ब्रेक इट. कमर पे मैंने यहाँ पे वो फिलर पीसेज नहीं लगाई हैं, इसलिए हमें वो थोड़ी बहुत आर्टिकुलेशन हमें यहाँ मिल जाती है कमर के लिए. लेग्स की जहाँ तक रेंज की जहाँ तक बात है, तो ये बाहर ज़्यादा नहीं जाती. इनफैक्ट यू नो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हमें मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस पीसेज हियर, सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम देयर. लेकिन अगर हम किकआउट की बात करते हैं, तो ये जो पीस है ये भी एक आर्टिकुलेट आपकी हो जाएगी. नेक्स की जो किकआउट रेंज है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, इट्स नॉट टू बैड कंसिडरिंग यू नो द आर्टिकुलेशन. थोड़ा सा शायद और भी जा सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू पुश इट टू मच, बट दैट इज़ द रेंज दैट वी बेसिकली गेट. और पीछे जाने वाली जो रेंज है वो भी इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड. तो ये है लेग्स की रेंज, और अभी हम देख लेंगे हमें नीज की रेंज कितनी मिल जाती है. अगर हम नीज को अगर हम and yeah, there we go, there's a ratchet joint here as well. Tuck 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 kaisi awaaz aa rahi hai. So knees ki range hame itni hi mil jati hai. Pair ki articulation hame yahan pe ek toe joint mil jati hai. Ye jo leg joint ye upar niche nahi jati hai. Of course we do get a ankle pivot, but ek aur baat main yahan pe kehna chahunga, agar aap thoda sa dhyan dein, to ye toe joint mein jaisi aise main articulate karta hu, to yahan pe koi locking system nahi hai. To ye jaise jaise loose hota jayega, aapki figure girne ki chances zyada ho jayenge. So you know, this is something that they could have probably improved upon. Challenger mein bhi yahi ek problem tha, I think, and this is something that you know they should have really looked into. Jahan tak articulation ki baat hai, this is what we mainly get. और अब वक्त आ गया है कंपैरिजंस का, एंड यू कैन सी हाउ बिग दिस ऑप्टिमस प्राइम फिगर इज. लेफ्ट पे है हैसब्रो की बनाई हुई हल्क बस्टर, हैसब्रो की बनाई हुई स्पाइडरमैन राइट इन मिडल इन फ्रंट, एंड हैसब्रो की बनाई हुई ट्रांसफॉर्मर्स वॉयजर क्लास डिसेप्टिकॉन टार्न. तो अब बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन की, और मैं आपको थोड़ा सा निराश ज़रूर करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस फिगर को ट्रांसफॉर्म बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि पेंट स्क्रैचेस हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया दिस फिगर डजेंट बिलोंग टू मी, एंड आई रियली रियली डोंट वांट टू अपसेट यतिन और यू नो एनीबडी. अगर कुछ अगर स्क्रैच वगैरह लग गई तो आई एम वेरी सॉरी, इस फिगर को मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता. लेकिन इस फिगर की ट्रक मोड की पिक्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस ट्रक मोड. ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी इश्यू है इस ट्रक मोड में, बट यू नो
it's a really, really beautiful piece. And I don't think agar aap, you know, in agar aap khareedte hain to aap isse truck mode mein rakhenge. I think aap isse robot mode mein hi rakhenge. So this was the review of the Unique Toys Challenger KO BS03 Cybertron Cavaliers. Agar aapko ye review pasand aayi hai, then do give us a like, share, comment and subscribe. And of course, hum hamari series continue karenge. Who are the Maximals? Agla video bahut jald aapke saamne aa jayega. And main bahut jald ek aur review bhi aapke saamne lekar aa jaunga. Transformers Prime ki review bahut jaldi shuru hone wali hai. And if you are a Transformers Prime fan, agar aap show ke fan hai, then you should not miss these reviews. आप देख रहे थे प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल. मेरा नाम है सुष्मित बिस्वास और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कलेक्ट करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हम बहुत जल्द मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच यतिन फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल.